टीम इंडिया से मिली हार पर बौखलाए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेन। T20 में भारत की बल्लेबाजी देख कंगारू कप्तान ने खोया आपा, दिया बड़ा बयान। पहला T20 हारने के घंटे बाद कंगारू कप्तान का आया बड़ा बयान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला गया। भारत ने इस रोमांचक मैच को आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर 2 विकेट से जीत लिया। रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज पर 1-0 से बढ़त बना ली। इस मैच में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 208 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वह इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम ने आखिरी गेंद पर 2 विकेट शेष रहते जीत अपने नाम कर ली। हालांकि जॉश इंग्लिश ने 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से 50 गेंदों में 110 रन कूट डाले, मगर सूर्य कुमार यादव के 80 रन और अंत में रिंकू सिंह ने नाबाद 22 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। अंत में कंगारू गेंदबाज इस विशाल स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके और जमकर रन लुटा दिए। इस मैच में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैथ्यू वेन ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जॉश इंग्लिश ने हमारे लिए अच्छी बल्लेबाजी की, युवा भारतीय बल्लेबाज आए और अंत में अच्छे रन बना कर गए। इनिंग के अंत में हमारा प्लान था कि शुरुआत में अच्छा लेंथ पर गेंद करना है, बैंड्रॉफ ने ये अच्छा किया, अंत में अच्छी यॉर्कर भी डाली, स्टीवन स्मिथ भी ओपनर के रोल में अच्छे दिखे। हमारा प्लान यही था कि सूर्य कुमार और किशन को रोका जाए, लेकिन वे लगातार रन बनाते रहे। अंत में प्रति गेंद रन चाहिए थे, लेकिन वे इसमें कामयाब रहे। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 20 ओवरों में 209 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मैच जीत लिया। मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया टीम ने जॉश इंग्लिश के शतक और स्टीव स्मिथ के अर्धशतक के बूते 209 रनों का टारगेट सेट कर दिया। जवाब में ईशान किशन के 58 रन, सूर्य कुमार यादव के 80 रन और रिंकू सिंह के 22 रन ने भारत के लिए तूफानी पारी खेली, जिसकी वजह से टीम इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुई और 2 विकेट से मैच जीत गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनके विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। तो आप भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैथ्यू वेन के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।